बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। तो दोस्तों वफा की बजट जो है वो आ चुका और मुलाजमीन की मौजें लग गईं और ये कोई नई बात है नहीं, ये कोई नियाजी की हुकूमत नहीं है जो कि पेंशन ख़त्म करने के चक्कर में लगी हुई थी। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि PDM आ गई और नून लीग शुरू से मुलाजमीन के हक में जो फैसले करते हैं तो वो अक्सर काबले तारीफ हुआ करते हैं। उसकी एक वजह यह है कि 35% मुलाजमीन की पे में इजाफा करना और उसके बाद पेंशन जो है उसमें 17.5% इजाफा करना, ये कोई आम बात नहीं है और नियाजी के बस की तो बिल्कुल भी बात नहीं थी, क्योंकि जो जी भर के खाना जिसने खाया हो उसी के मुंह से नवाला गिरता है और जो बंदा खुद ज़कात खाने वाला हो वो उसके मुंह से क्या नवाला गिरेगा। तो ये अब जो है मौजें जनाब लग चुकी और अब ये यकीन होने चला है कि अब जो भी औलाद होगी बच्चे अपने वालदैन को तूड़ी वाले अंदर हरगिज़ नहीं डालेंगे, क्योंकि पेंशन में 17.5% इजाफा हो चुका है जनाब। तो इस बात के ऊपर मुबारकबाद तो बनती है। चार्ट जो है जनाब वो नया आ चुका कि जो एडहाक है कौन से वाली वो जम होगी, उसके ऊपर फिर लगेगा जनाब 35% और पेंशन में लगेगा 17.5%। तो 1,00,000 रुपये तनख्वाह लेने वालों को 10% मजीद इजाफा जो है उसका भी अनाउंसमेंट हो चुकी, ये वजीर आजम कह रहे हैं। बड़ी बात है जनाब, ये तूड़ी वाला अंदर है जिसके इस कमरे में अक्सर लोगों को बढ़ापे में डाल दिया जाता है, लेकिन जो पेंशनेबल लोग हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि जब वो किसी काम के नहीं रहते तो उनको अक्सर तूड़ी वाले अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन ये वाला पैकेज देने के बाद PDM ने स्पेशली नून लीग को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया कि जो सिर्फ सोचा जा सकता है। तो हम जनाब अपने तनख्वाहदार तबके और स्पेशली पेंशनर जो लोग हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये वाला जो पैकेज है इसने तो PTI का जनाजा ही निकाल दिया जनाब।